फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेवियों का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए सेवियाँ, एक पैकेट मिल्क और शुगर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश ली है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर पैन रखिए, कढ़ाई रखिए, उसमें ये लगभग मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया है, देसी घी डालिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसके अंदर सेवियां डाल दीजिए। इनको हमें थोड़ी रोस्ट करनी है। वैसे तो ये ऑलरेडी रोस्टेड ही होती है, लेकिन फिर भी घी में इनको हमें फ्राई करनी होती है थोड़ी। ये हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, अब हम इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ करिए और ये निकाल दीजिए। अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। चाहे तो वाटर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे के लिए हम दूध का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें लगभग 3-4 चम्मच चीनी डालिए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालने जा रहे हैं, जो मैंने पहले निकाल रखे हैं, बादाम, काजू एंड किशमिश। आप चाहे तो पिस्ता और जो भी आपको पसंद हो आप ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। ये बहुत आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना इसको। और ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसके अंदर सेमिया ऐड कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी थी देसी घी। देखिए लगभग इसका मिल्क घी वो हो चुका है। देखिए अब ये पूरी तरह से बन चुका है। तो ये इजी रेसिपी है, गेस्ट आए तो आप इजीली इसको बना सकती हैं और अपने गेस्ट को खिला सकती हैं। और यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगा, ये अच्छा डेजर्ट होता है ये। ये हमारा बन चुका है। आप चाहें तो और लिटल मोर और घी, देसी घी ऐड कर सकती हैं। जैसे हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं।
अभी ये हो चुका है, अब हम इसको ऑफ करेंगे। और ये गाइज हमारा हलवा रेडी हो चुका है, हम सर्व कर चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने गेस्ट को या जिसको भी आप फ्रेंड्स वगैरह को खिलाना चाहें तो उनको ज़रूर टेस्ट कराएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, बाय, इन्जॉय।